الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اياك نعبد واياك نستعين पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानियों, आपकी अजमत को सलाम। आपका आज का यहाँ का इज्तमा पाकिस्तान में मौजूद हर जाबिर, हर फासिक की टांगों को कंफा देने के लिए काफी है। इमरान खान, 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 कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। आज इमरान खान एक चट्टान की तरह खड़ा है। जाबिर ने उसको पाबंदे सलासल किया, जेल में बंद किया, लेकिन कोई जेल इतनी बड़ी नहीं जो इमरान खान को रोक सके, जो इमरान खान के शहर को रोक सके, जो इमरान खान के जज्बे को रोक सके। इमरान खान आपके दिलों में बसता है, इमरान खान यहाँ मौजूद है। हम इमरान खान के लिए जिद्दोजहद करेंगे। ये जिद्दोजहद पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद है, ये जिद्दोजहद आपके लिए है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है। ये जिद्दोजहद गुर्बत से निजात के लिए है, ये जिद्दोजहद अच्छी तालीम के लिए है, अच्छी सेहत के लिए है, लेकिन सबसे बढ़कर ये जिद्दोजहद आपकी आजादी के लिए है। पिछले 15-16 माह, 2 साल आप पर हमले किए गए, आपके घरों को तोड़ा गया, आपके बच्चों को, आपकी बीबियों को पामाल किया गया, उन पे हाथ उठे, जेल में ना हक बंद किया गया। आप साबित कदम रहे, इमरान खान आपकी वजह से खड़ा है, इमरान खान आपकी वजह से मुसीबत झील रहा है, वो जेल में है लेकिन वो झुका नहीं है। इमरान खान कभी नहीं झुकेगा। वक्त के यजीद का मुकाबला इमरान खान आखिर दम तक करेगा। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इमरान खान बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे। इमरान खान को हम अदालतों से तो आज़ाद कराएंगे, लेकिन इमरान खान और हमारे रास्ते में जो जबर की दीवार है, उस जबर की दीवार को आप गिराएंगे। आप बाहर निकलेंगे, हर गली में, हर कूचे में, हर गांव में, हर मोहल्ले में आप बाहर निकलेंगे। आपके कदमों की छाप से जबर मिट जाएगा, जबर के साए ढल जाएंगे। पाकिस्तान की आजादी की जमानत आप हैं, आप हैं वो फौलाद जिसके मुकाबले में बाकी हर ताकत मांद पड़ जाएगी। आप हैं पाकिस्तान में फलाह के जामिन। आप इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बना रहे हैं। आपका आज यहाँ मौजूद होना आपके जज्बों की दलील है। इमरान खान के जज्बे जवान हैं, आपके जज्बे जवान हैं। हम सब साथ हैं, हम साथ जिएंगे, हम साथ भरेंगे, हम साथ सड़कों पर चलेंगे, हम साथ जेलों को भरेंगे। मैं आपके साथ हूँ, इमरान खान आपके साथ है, तमाम लीडरशिप आपके साथ है। हमारे मुफक्किर आज़म जनाब अल्लामा इकबाल ने कहा था, ता अजल अजल ता इमरूज सतीजा कार रहा है शरारे बुलहबी से चिरागे मुस्तफवी। दुनिया के हर दौर में बुलहबी ताकतों का मुकाबला चिरागे मुस्तफवी को थामने वाले करते हैं। आप हैं चिरागे मुस्तफवी के अमीन। आप मुकाबला कर रहे हैं जबर का, आप डरे नहीं, आप झुके नहीं। आपकी अजमतों को सलाम। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। आज वक्त के जाबिरों ने 8 फरवरी को आपके वोट पर डाका डाला। 8 फरवरी का अजीम शान दिन था जब पाकिस्तानी कौम ने अपना दो टोक फैसला दिया। आपने फैसला दिया सच्चाई के हक में, आपने फैसला दिया इमरान खान के हक में, लेकिन आपके फैसले को रद्द किया गया।
आपके फैसले पर डाका डाला गया। जो अमानत आपने सौंपी थी उस अमानत में खयानत की गई। आज हमें यह कहा जाता है कि 8 फरवरी के फरेब की बुनियाद पर कायम हुकूमत पाकिस्तान में माशी तरक्की पैदा करेगी। हमें यह कहा जाता है कि करप्शन में लिथड़े लोग पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा करेंगे। ये वो झूठ है जिसको आप कबूल नहीं करेंगे, जिसको इमरान खान कबूल नहीं करता, जिसको मैं कबूल नहीं करता, मुझ जैसे लाखों कबूल नहीं करते। आप और मैं इस झूठ के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हर सतह पे हम लड़ेंगे, हर जगह हम लड़ेंगे, और फतह आपकी होगी। ये अल्लाह ताला का वादा है, फतह सच की होगी। झूठ पसपा होगा, झूठ की तारीकी को हम सच की सुबह से बदल देंगे। मेरा आपसे वादा है कि इमरान खान और आप एक ना टूटने वाले बंधन में जुड़ चुके हैं और हम सब इस बंधन का हिस्सा हैं। ये हमारी अब आगे हमेशा चलने वाली जद्दोजहद है। पाकिस्तान की तकदीर अब हमारे हाथ में है और इस तकदीर को आप और हम मिलकर बदलेंगे। मेरे साथ एक बार फिर नारा लगाइए, ना वो कैदी ना वो गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो कैदी ना वो गद्दार। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।